अरविंद जी, मैं आपसे कुछ सवाल पूछना चाहता हूँ। देखिए, मैं समझता हूँ ईमानदारी की बात यह है कि अगर आप कहते हैं कि पॉलिटिशियंस में बहुत करप्शन है, तो आप कोई हिंदुस्तान में किसी भी आदमी की इंफॉर्मेशन को बढ़ा नहीं रहे हो, ये सबको पता है और हम मानते हैं। बाकी बचा ये कि आपको सर्टन पॉलिटिशियंस या बहुत सारे पॉलिटिशियन या सारे पॉलिटिशियन बुरे लगते हैं, या ये सिस्टम नहीं पसंद है पार्लियामेंट का, जिसमें दो हाउसेस हैं, एक जुडिशरी का, इलेक्शंस का, असेंबलीज का, आपको ये सिस्टम नहीं अच्छा लगता? आप कहते हैं आप प्राइम मिनिस्टर नहीं बनना चाहते, क्यों नहीं बनना चाहते? आपको इस सिस्टम पे ही भरोसा नहीं, इस स्ट्रक्चर पे, इस कॉन्स्टिट्यूशन पे भरोसा है या नहीं है? ये हो सकता है कि आपको मणिशंकर अय्यर साहब पे भरोसा ना हो, रविशंकर प्रसाद साहब पे भरोसा ना हो, आपको पूरा राइट है, अपना करें उन पे, लेकिन हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन पे आप विश्वास रखते हैं कि नहीं? और अगर रखते हैं तो फिर आप ये जो कहते हैं जनता फैसला करेगी, ये जनता कैसे फैसला करेगी? सड़क पे करेगी? तो फिर ये पार्लियामेंट अटेंडेंट है, इसे बंद करवा देना चाहिए, इसे कुछ सिनेमा हॉल वगैरह खुलवा देते हैं। तो सवाल ये है कि आप सिस्टम को और इंडिविजुअल को कंफ्यूज करते हैं, पहले तो इसमें क्लियर हो जाइए। दूसरी ये कि ये बात दोनों ने कही अपने अपने तरीके से, और मैं बिल्कुल दोनों से सहमत हूँ कि आप ये तो बताते हैं कि बुरा क्या है, आप ये नहीं बताते कि होना क्या चाहिए। ये सब ठीक है, पंचायत हो और वो डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर हो, लेकिन आप दुनिया से क्या रिश्ता पंचायतों के थ्रू करेंगे? यू नीड अ सेंट्रल गवर्नमेंट, यू नीड अ स्टेट गवर्नमेंट, जरूरत है। इस सिलसिले में एक ख्वाब है कम्युनिस्टों का, एक ख्वाब है संघ परिवार का, एक ख्वाब है कांग्रेस का। आप मैं उन्हें से किसी से अग्री करें नहीं करें, लेकिन उनके पास एक विजन तो है। We may disagree with that. आपका विजन क्या, हमें आज तक नहीं पता चला। आपने सिर्फ हमें ये बताया ये बुरा है वो बुरा। You are like a journalist who is giving us information of telephone numbers. सवाल यह है कि इन टेलीफोन नंबर से क्या हिंदुस्तान ठीक होगा? क्या आपके पास आइडियल इंडिया का नक्शा क्या है, जो हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर है या बाहर है? मुझे नहीं मालूम। अरविंद सर, आपके दो प्रश्न हैं। पहला प्रश्न है कि क्या जनता तय कर सकती है? बिल्कुल कर सकती है। दुनिया भर में सर, मैं अब लेट मी कंप्लीट। दुनिया क्वेश्चन आएगा। अच्छा, दुनिया भर में जितनी डेमोक्रेसीज हैं, देर आर टू कॉन्सेप्ट्स, वन इज कॉल्ड रेफरेंडम एंड इनिशिएटिव, और दूसरा है ग्राम सभाओं के जरिए। मेरे को इसमें थोड़ा समय लगेगा, बिकॉज इट्स एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन दैट ही हैज आस्क्ड, सो आई विल नीड सम टाइम टू एक्सप्लेन। हम ये भी चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग सवाल पूछे। नहीं बेटा, ठीक है, अब मैं क्या करूँ, उन्होंने प्रश्न ही ऐसा पूछा, विजन का पूछा है। तो सर, पूरी दुनिया के अंदर जितनी डेमोक्रेसीज हैं, 5 देशों को छोड़ के सारी दुनिया में रेफरेंडम और इनिशिएटिव का कॉन्सेप्ट है। रेफरेंडम का मतलब कि अगर संसद के अंदर कोई कानून पारित होता है, एंड इफ़ यू वॉन्ट दैट लॉ टू बी अमेंडेड, देन देर इज़ अ प्रोसीजर that the people can ask for the amendment of the law. Initiative का मतलब होता है कि अगर लोग एक नया कानून, जैसे जन लोकपाल बिल हम लोग डिमांड कर रहे थे, लोग एक नया कानून डिमांड करना चाहें तो उस कानून को, जैसे स्विट्जरलैंड है, स्विट्जरलैंड के अंदर अगर 50,000 लोग एक कानून के ऊपर साइन करके देते हैं, इट हैज़ टू बी प्रेजेंटेड एज अ बिल इन द पार्लियामेंट, और अगर 100,000 लोग अगर साइन करके देते हैं, इट हैज़ टू बी प्रेजेंटेड एज अ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। मुझे पता है आपका दूसरा क्वेश्चन होगा, स्विट्जरलैंड तो बहुत बड़ा छोटा देश है, हम तो बहुत बड़े देश हैं, लेकिन हम भी कई सारे स्विट्जरलैंड्स के बने हैं। हिमाचल प्रदेश इज इक्वल टू अ स्विट्जरलैंड, दिल्ली इज इक्वल टू अ स्विट्जरलैंड, उत्तर प्रदेश में भी बहुत सारे छोटे छोटे स्विट्जरलैंड, सो वी कैन वर्क आउट। दूसरा है सर ग्राम सभा। हम जब पॉलिटिकल डिसेंट्रलाइजेशन की बात करते हैं तो उसको इतना सिंपलिस्टिक मत लीजिए, आई थिंक ही कैन एक्सप्लेन इट मच बेटर। झारखंड के स्कूलों के बारे में हमने एक आरटीए एप्लीकेशन डाली, पता चला कि झारखंड के अंदर कई सारे ऐसे सरकारी स्कूल हैं जिसके अंदर 900-900 बच्चे हैं, एक भी टीचर नहीं है, एक टीचर है संस्कृत का 10 क्लासों को पढ़ाने के लिए। वो एजुकेशन मिनिस्टर को लिखते हैं कि टीचर की अपॉइंटमेंट कर दो, एजुकेशन मिनिस्टर को तो टाइम ही नहीं है टीचर्स की अपॉइंटमेंट करने के लिए। तो वहाँ के गाँव के लोग मिलकर क्यों नहीं आपस में टीचर्स की अपॉइंटमेंट कर सकते? वहाँ के गाँव के लोग मिलकर क्यों नहीं अपनी डिस्पेंसरी खोल सकते? वहाँ के गाँव के लोग मिलकर क्यों नहीं अपने नलके लगा सकते? नलके लगाने के लिए प्लानिंग कमीशन की ज़रूरत है क्या? वो गांव के लोग अपनी ज़िंदगी तो चला सकते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि सेंट्रल गवर्नमेंट के सारे डिसीजन ग्राम सभा लेगी।
सेंट्रल गवर्नमेंट की भी ज़रूरत है, स्टेट गवर्नमेंट की भी ज़रूरत है। तो जो चीज़ें मेरे गांव के लेवल पे, मेरे मोहल्ले के लेवल पे हो सकती हैं, मेरी 80% प्रॉब्लम वहीं सॉल्व हो जाएंगी। आप फॉरेन अफेयर्स है, स्टेट सिक्योरिटी है, एक्सटर्नल एंड इंटरनल सिक्योरिटी है, बैंकिंग है, इंश्योर, ये तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास रहेगा ही, वो करेंगे ही। ऑल दैट वी नीड इज़ अ क्लियर डिविजन ऑफ पावर्स, और जो मेरे गांव में और मेरे मोहल्ले में डिसीशन है वो डिसीशन मैं लूँ। तो मोटे मोटे तौर पे ये दो है। हमने इसके ऊपर एक किताब लिखी है, आप तक पहुँची नहीं होगी, मैं आपको वो किताब पहुँचाता हूँ कि हमारा इसी संविधान के अंदर ढांचा है। लेकिन जो चीज़ें बदलनी है उसको बदलने से हमें परहेज़ क्यों? आज क्या सुप्रीम कोर्ट के अंदर आप एक सर्वे करवाइएगा, आज़ादी के बाद से कितने गरीब लोग सुप्रीम कोर्ट के अंदर केस कर पाए? एक हेयरिंग के 1.5 लाख रुपया लेता है वकील। तो क्या सुप्रीम कोर्ट के अंदर केवल अमीर लोग जा सकते हैं? क्या सुप्रीम कोर्ट केवल अंबानी बंधुओं को के केस सॉल्व करने की पंचायत बन गई है? क्या अब गरीब आदमी कब जाता है? गरीब आदमी तब जा सकता है जब कोई वकील फ्री में केस कर दे। तो इज जस्टिस अवेलेबल टू मी एज अ मैटर ऑफ चैरिटी इन दिस कंट्री? इज इट नॉट माई राइट? हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट किसके लिए बने हैं? क्या इस देश के लोगों के लिए बने हैं कि अमीर? तो ये क्वेश्चन पूछने पड़ेंगे हम लोगों को। अरविंद, हमने अपने दर्शकों से वादा किया था कि वो ट्विटर के जरिए अपने सवाल भेज सकते हैं। कई सारे सवाल आए हैं, मैं एक सवाल उठाऊंगा सुमित व्यास का। वो ये जानना चाहते हैं कि क्या वाकई में अरविंद केजरीवाल को ये लगता है कि वो चुनाव जीत सकते हैं? 2014 में अगर चुनाव होते हैं तो आपकी पार्टी को आपके अनुमान में कितनी सीटें मिलें? एक सेकेंड रुकिए, एक सप्लीमेंट्री क्वेश्चन की इजाजत तो पार्लियामेंट में भी होती है। देखिए, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर कोई बहस नहीं है, और इस पर भी प्रॉपर चैनल से बात की जा सकती है। और अच्छी बात कह रहे हैं आप कि गांव के पास और पंचायत के पास और लोकल लेवल पे, म्यूनिसिपल लेवल पे लोगों के पास ज़्यादा अधिकार हों, और जो चीज़ें यहाँ सॉल्व हो सकती हैं वो क्यों आगे जाए। सही है, लेकिन मुझे बताइए कि अगर एक कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज होना है या एक नया बिल आना है, तो अरविंद केजरीवाल और उनके चार दोस्त ये कहें कि हम 20 पे बैठेंगे, तो फिर ये राइट तो मुझे भी होगा, इनको भी होगा, इनको भी होगा, इनको भी होगा। हाउ विल यू फंक्शन? ये कैसे कि, और आप ये जिम्मेदारी ले लेते हैं कि हम जनता की आवाज़ हैं? कौन सी जनता की आवाज़ हैं आप? कैसे तय हुआ है ये कैसे तय होता है? ये अगर कहें तो मुझे मानना पड़ेगा, भले मेरा दिल खुश हो कि ना हो, ये अगर कहें तो मुझे मानना पड़ेगा। इसलिए कि ये आए हैं, जनता ने इनको वोट दिया, गलत दिया, सही दिया, वो अलग डिस्कशन। सवाल ये है कि आप जिस तरह से, मुझे हैरत है कि सरकार ने इजाजत क्यों दी आपको बैठने की, और बिल्कुल ये गलत ट्रेडिशन थी, ये कॉन्स्टिट्यूशन से बाहर की बात है। आपको कोई राइट नहीं है एक बिल पे बैठने का। एक स्टैंडिंग कमेटी है जिसमें सारी पार्टीज होती हैं, और वो जिस तरह बहस करती हूँ मैं जानता हूँ बींग अ मेंबर। ऐसा थोड़ी कि वहाँ खरी बातें नहीं करते लोग, वहाँ पार्टी लाइन कोई नहीं करता है। एक सिस्टम है, आप वो बेसिक सिस्टम पे आहार कर रहे हो, बहुत खतरनाक बात है। एक बात मैं आपको बताऊं, मैं आपको मशवरा दूंगा, हिंदुस्तान में बड़ा करप्शन है, बड़ी गड़बड़, एक सोच मुझे जुमला कंप्लीट। मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, आप एक हफ्ते के लिए पाकिस्तान चले जाइए, वापस आएंगे तो इस धरती को चूमेंगे। सर, आप आज के भारत से बड़े खुश हो सकते हैं, आप इस बात से खुश हो सकते हैं कि पाकिस्तान से हमारी हालत बहुत अच्छी है। आपने कहा कि हम सिस्टम को चुनौती दे रहे हैं, हम बिल्कुल सिस्टम को चुनौती दे रहे हैं। आप इस सिस्टम से खुश हो सकते हैं क्योंकि आपके पास पैसा है कि आप सुप्रीम कोर्ट में जाके न्याय मांग सकते हैं, आप वकील की फीस दे सकते हैं। लेकिन वो 4 साल की लड़की जिसका रेप अटेम्प्ट हुआ था, वो सुप्रीम कोर्ट में जाके वो नहीं दे सकते। नहीं, मैं तो कह रहा हूं एक एक करके, वरना ये संसद में तब्दील हो जाएगा, फिर डिसप्ट होगा, फिर एडजर्न करना पड़ेगा। नहीं नहीं, ऐसे ऐसे नहीं होगा, ऐसे नहीं होगा, ऐसे नहीं होगा। आप बैठिए प्लीज। जावेद साहब के पास पैसा नहीं है, आप भी आदमी है, आप जावेद साहब को से कहना इसकी मुझे देखिए, मेरी बात सुनिए, अमर सिंह जी मेरी बात सुनिए, जावेद अख्तर साहब को से कहना, मेरी बात सुनिए, ये कहा के सेठ हो गए, मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए, मैं मीरा कुमार नहीं हूँ और मुझे संसद भंग करने की इजाजत नहीं है। आप लोगों को बैठना होगा, मेरी बात सुननी होगी। केजरीवाल सिंह जी ने सेट कह दिया, जावेद अख्तर साहब को मुझे बड़ा बुरा लग रहा है। जानिसर अख्तर की नस्ल है ये, जानते हैं जानिसर अख्तर कौन? जावेद अख्तर है इनका नाम।
चलिए आप अरविंद सवाल का जवाब दीजिए, जावेद अख्तर साहब आपके हिसाब से हो गया सवाल। चलिए वो ट्विटर पे जो सवाल आया था उसका आप जवाब दीजिए, वो जानना चाहते हैं कि आप कितनी सीटें जीतेंगे और क्या आपको वाकई में लगता है कि 2014 में आपका जो खाता है वो खुल जाएगा। देखिए जैसा मैंने कहा कि हम इसके अंदर सत्ता की राजनीति नहीं खेलने आए हैं, हम इस राजनीति को साफ करने के लिए इसके अंदर आए हैं, हम राजनीति के रूल्स बदलने के लिए आए हैं। हम लोगों से जाके ये नहीं कहेंगे कि हमें वोट दो। अगर लोगों को लगता है कि बीजेपी इसका समाधान दे सकती है देश का, तो बीजेपी को वोट दे, कांग्रेस दे सकती है तो कांग्रेस को वोट दे। लेकिन अगर लोगों को लगता है कि ये दोनों पार्टियां नहीं दे सकती हैं और यही एक मौका मिला लोगों को, तो लोग अपने आप इसके अंदर जुड़ेंगे। तो अगर सुमित व्यास को लगता है कि उनको वोट देना चाहिए तो जरूर जीतेंगे, अगर लोगों को लगता है तो नहीं जीतेंगे।